आज मैं आपको बताऊंगा 2020 में कौन से हैं दुनिया के 10 सबसे ताकतवर देश। ये ऐसे देश हैं जो अपने मिलिट्री और स्ट्रांग लीडरशिप के दम पर दुनिया के और किसी भी देश से टक्कर लेने की क्षमता रखते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इंडिया की भी रैंकिंग बताऊंगा। इन टॉप 10 कंट्रीज में से ही किसी एक रैंकिंग पर इंडिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल चौधरी, आप सबका स्वागत करता हूँ आप ही के चैनल इंडिया टॉक्स पे। तो चलिए लिस्ट शुरू करते हैं नंबर 10 से। दुनिया की 10 सबसे ताकतवर देशों की लिस्ट में 10वां रैंक हासिल किया है जिस देश ने, उसका नाम है ईरान। ईरान एक ऐसा देश है जिसका हाल के दिनों में अमेरिका के साथ सबसे ज्यादा विवाद रहा है, और पिछले कुछ महीनों में तो हालात इतने बिगड़ गए थे कि हमें ऐसा लग रहा था कि ईरान और अमेरिका के बीच तीसरा विश्व युद्ध भी शुरू हो जाएगा। ऐसे हालात में ईरान ने अपने छोटे से मिलिट्री और एक स्ट्रांग लीडरशिप की मदद से अमेरिका से सीधा टक्कर लिया, और आखिरकार अमेरिका को ही इस मामले से पीछे हटना पड़ा। ये दिखाता है कि ईरान 2020 में एक बहुत ही ताकतवर और सक्षम देश बन के सामने उभरा है और आगे भी इसी तरह ग्रो करता रहेगा। अब जाते हैं नंबर 9 पे। नंबर 9 पे जो देश आता है उसका नाम है टर्की। टर्की एक ऐसा देश है जिसके पिछले कुछ समय में इमेज एक इस्लामिक देश के तौर पर काफी मजबूत हो गया है। टर्की में जो इंटरनल पॉलिटिक्स चल रहा है उसके बदौलत टर्की के जो इस्लामिक लीडर्स हैं उनकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। देश में उनका कद बहुत ऊंचा हो गया है, इसलिए अब टर्की अपने आप को दुनिया के सभी मुसलमानों का मसीहा बनाकर सामने रखना चाहता है और अपने आप को सारे इस्लामिक देशों का लीडर बनाना चाहता है। अपने स्ट्रांग मिलिट्री के बदौलत वो चाहता है कि सारे इस्लामिक देश एक समूह बनाए जिसका लीडर टर्की हो। ये ठीक वैसा ही काम है जैसा पाकिस्तान बहुत सालों से करने की कोशिश कर रहा है। अब चलते हैं नंबर 8 की तरफ। नंबर 8 पे जो देश आता है उसका नाम है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम या कहले इंग्लैंड एक ऐसा देश है जिसने कुछ सालों पहले हमारे ऊपर राज किया था, और आज अगर रैंकिंग में देखा जाए तो यूके 8वें पोजीशन पे है, जबकि भारत इससे कई गुना रैंकिंग में ऊपर है। ये दिखाता है कि दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं होता है, समय बदलता रहता है। आज जो राजा है कल वो फकीर बन सकता है, और आज जो फकीर है कल वो राजा बन सकता है, और यही चेंज है जिसने यूके की आर्मी को डुबा डाला। एक समय में यूके की आर्मी दुनिया की टॉप आर्मी मानी जाती थी, और धीरे धीरे यूके का रैंकिंग घटते घटते आज यूके 8वें पोजीशन तक आ चुका है। इसके बाद चलते हैं नंबर 7 पे। तो हमारे रैंकिंग में नंबर 7 पे जो देश आता है उसका नाम है फ्रांस। फ्रांस दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की लिस्ट में नंबर 7 पे जरूर आता है, लेकिन इस रैंकिंग और पावर में फ्रांस की गिरावट हुई है। कुछ ही सालों पहले तक फ्रांस इस लिस्ट में काफी ऊपर हुआ करता था, लेकिन बहुत ही जल्दी फ्रांस ने अपने मिलिट्री के ऊपर जो फोकस है उसे हटाया है, और फ्रांस की मिलिट्री धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस का लीडरशिप भी उतना मजबूत नहीं रह गया है, और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर फ्रांस का जो पहले ओहदा हुआ करता था उसमें भी धीरे धीरे गिरावट आ रही है, और इसकी जगह एशियन कंट्रीज लेते जा रहे हैं। अब बढ़ चलते हैं नंबर 6 की तरफ। हमारे लिस्ट में नंबर 6 पर जो देश आता है उसका नाम है साउथ कोरिया। दोस्तों यहाँ से आपको एशियन कंट्रीज की बढ़ती हुई ताकत दिखाई देगी। 6 नंबर के बाद से जितने भी देश हैं इनमें से ज्यादातर एशियन कंट्रीज ही हैं। अगर साउथ कोरिया की तरफ देखें तो साउथ कोरिया ने फिलहाल के कुछ दिनों में अपनी मिलिट्री को बहुत ही ज्यादा बूस्टअप किया है। साउथ कोरिया की मिलिट्री टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड हुई है, नए नए हथियार उन्होंने बनाए हैं, साथ ही साथ उनकी संख्या में भी इजाफा हुआ है। साउथ कोरिया ने खुद को नॉर्थ कोरियन मिसाइलों से बचाने के लिए बहुत ही मजबूत सुरक्षा की व्यवस्था तैयार कर ली है, और उनके हथियार भी बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो दुनिया के अलग अलग देश खरीद रहे हैं अब साउथ कोरिया से। अब लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं और हमारे सेकेंड हाफ में पहुंच जाते हैं। अब हम बात करेंगे दुनिया के टॉप 5 सबसे पावरफुल देशों की। तो इस हाफ में सबसे पहला जिस देश का नाम आता है, यानी 5th पोजीशन पे जो देश इस लिस्ट में खड़ा है, उसका नाम है जापान। जापान ने अपनी मिलिट्री के क्षमताओं को उतना तेजी से नहीं बढ़ाया है जितना तेजी से वो बढ़ा सकता था, लेकिन इतना जरूर बढ़ा लिया है कि वो 5वें पोजीशन पे अपने रैंकिंग को बरकरार रखा है। जापान आज भी दुनिया का एक बहुत ही ताकतवर देश है जिसके पास बहुत ही मजबूत नौसेना है, और साथ ही साथ वायुसेना और थल सेना भी है। अब हम चलते हैं उस देश की तरफ जो दुनिया के सुपर पावर्स की रैंकिंग पर 4थे नंबर पर खड़ा है। इस देश का नाम है भारत। इन 10 देशों की लिस्ट में जिस देश का बढ़त सबसे ज्यादा रहा है पिछले कुछ सालों में, वो है भारत। भारत की पॉलिटिकल पावर पिछले 5-6 सालों में काफी तेजी से बढ़ी है। भारत को दुनिया में एक नया पहचान मिला है जो भारत की बात को दुनिया के प्लेटफॉर्म्स पर एक मजबूती देता है, और भारत जो भी कहता है उसे दुनिया के बाकी देश ध्यान से सुनते हैं। यानी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भारत का कद काफी ऊंचा हो गया है पिछले कुछ सालों में, और भारत की मिलिट्री भी काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। भारत की मिलिट्री ने भी काफी ग्रोथ किया है, और इसमें भी काफी मॉडर्नाइजेशन आ रहा है। हालांकि भारत पिछले कई सालों से दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर रहा है, लेकिन अब भारत का जो फोकस है वो इंपोर्ट से हट करके घर में मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्ट के ऊपर ज्यादा है। तो भारत अब अपने गुड्स पिछले कुछ सालों में बनाने लग जाएगा और उसे एक्सपोर्ट करने लग जाएगा, जो कि भारत की ताकत में और इजाफा करेंगे, क्योंकि अब भारत किसी और देश के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा अपनी सुरक्षा के लिए। अब चलते हैं हम अपने लिस्ट में नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 पे जो देश आता है उसका नाम है चाइना। चीन वो देश है जिसकी ताकत पिछले कुछ दशकों में लगातार बढ़ती रही है।
चीन ने ग्लोबल इकोनॉमी में और ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक बहुत ही ऊंचा कद हासिल कर लिया है और इसकी दो प्रमुख वजह है। सबसे पहला, चीन का काफ़ी तेजी से बढ़ता इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और दूसरा उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फायदा उठाती चीन की सेना। चीन की अर्थव्यवस्था इतनी ज़्यादा मजबूत हो चुकी है कि पूरी दुनिया अब चीन के ऊपर डिपेंडेंट है एक तरह से, और चीन की सेना दूसरी तरफ अपने इलाके में पूरी तरीके से दादागिरी करके या मनमानी करके ऐसा कंट्रोल बनाए हुए है कि चीन के आसपास के देशों के ऊपर चीन का पूरा पूरा कंट्रोल है। चीन की सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, यानी नंबर्स के मामले पर चीन की जो आर्मी है दुनिया की सबसे बड़ी है। इससे थोड़े से ही नीचे स्थान पर हमारा देश भारत आता है। वहीं चीन अब मिलिट्री के मामले में पूरी तरीके से सेल्फ डिपेंडेंट हो चुका है यूएस और रशिया की तरह। वो अपने हर एक उपकरण को खुद बनाता है, एरोप्लेन से लेकर के शिप्स तक, शिप से लेकर के टैंक्स तक, हर एक सामान चीन में ही बनते हैं, और यहाँ तक कि चीन अब उन्हें एक्सपोर्ट भी करने लगा है। अब बढ़ चलते हैं थोड़ा और आगे। हमारे लिस्ट में नंबर दूसरे स्थान पर जो देश आता है उसका नाम है रशिया। रूस एक ऐसा देश है जिसकी मिलिट्री ने पिछले कुछ समय में काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ किया है, लेकिन अगर दूसरी तरफ उसके इकोनॉमी को देखा जाए तो उसमें कुछ खास ग्रोथ नहीं रहा है, जिसके वजह से रशिया का जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो कद है उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत इफेक्ट आया है। रशिया की ताकत उसकी सेना है। रशिया की सेना हमेशा से रशिया की प्राथमिकता रही है, इसलिए वो दुनिया का आज भी दूसरा सबसे ताकतवर देश बना हुआ है। रूस के पास आज भी दुनिया की एक सबसे बेहतरीन सेना है जो दुनिया के किसी भी देश के साथ सीधे टक्कर ले सकती है। लेकिन रूस की कद में काफ़ी तेज़ी से गिरावट आ रहा है, क्योंकि पहले जैसे बहुत सारे देश रशिया के ऊपर अपने हथियारों के लिए डिपेंडेंट थे, वो डिपेंडेंसी कम हो रही है, क्योंकि अब मैक्सिमम देश यूनाइटेड स्टेट्स से हथियार खरीद रहे हैं। और दुनिया में भारत समेत कुछ गिने चुने देश ही ऐसे बचे हैं जो अभी भी रूस के ऊपर डिपेंडेंट है अपने हथियारों के लिए। अब चलते हैं हमारे लिस्ट के आखिरी देश की तरफ। ये वो देश है जिसने हमारे लिस्ट में पहला स्थान हासिल किया है, और ये ऐसा पिछले कई सालों से करता आ रहा है, और इस देश का नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएस दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, और ये ऐसा सिर्फ अपने इकोनॉमी या मिलिट्री की वजह से नहीं बन पाया है। यूनाइटेड स्टेट्स हर तरफ से अपने आप को मजबूती देता आ रहा है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री है, यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। यूएस दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, और ये ऐसा कर पाया है अपने मल्टीलेटरल ग्रोथ की वजह से। इसका मतलब यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो मिलिट्री है वो दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री है, यूनाइटेड स्टेट्स की जो इकोनॉमी है वो दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर इकोनॉमी है, यूनाइटेड स्टेट्स का जो पावर या कद है पूरी दुनिया में वो सबसे ऊंचा है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने हर तरफ से अपने आप को नंबर वन बना करके रखा है, इसलिए वो इस रैंकिंग में नंबर वन का स्थान हासिल किए हुए है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि बदलाव दुनिया की बहुत बड़ी सच्चाई है, और इस पोजीशन में भी बदलाव धीरे धीरे दिखने लगा है, और बहुत ही जल्दी आने वाले कुछ ही सालों में चीन और भारत इस रैंकिंग में यूनाइटेड स्टेट्स को टॉप करके नंबर वन और टू के पोजीशन तक पहुंच जाने वाले हैं। और कई सारे एक्सपर्ट्स का ये अनुमान है कि चीन ऐसा कारनामा कर दिखाने के बहुत ही करीब है, वहीं भारत को थोड़ा सा और मेहनत करना है, और आने वाले कुछ सालों के बाद चीन और भारत दुनिया की दो सबसे महान ताकतें बन जाएंगी। और आपको पता ही होगा कि समय एक चक्र की तरह है, ये अपने आप को बार बार रिपीट करता रहता है। जैसे कि आज से कुछ सदी पहले भारत और चीन दुनिया की दो सबसे ताकतवर देश और दुनिया की दो सबसे महान अर्थव्यवस्थाएं थीं, जहां भारत पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी में 30% की हिस्सेदारी के साथ दुनिया पर राज करता था, वहीं चीन 25% की हिस्सेदारी के साथ दुनिया पे दूसरे नंबर पे आता था। तो लगता है कि बहुत ही जल्दी वो दौर वापस आने वाला है। फिलहाल के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। खैर, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप ये सब तो कर ही लोगे, तो आपको यहीं पर विदा कर चलता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।